साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज। आज हम मौजूद हैं इस्टॉप कैलाश में, जहाँ की एक म्यूजिकल इवेंट हुआ है मेलेडी मेरिकल की तरफ से, जिसके ऑर्गेनाइजर सुधा कांडा जी और सारिका रेजा जी है। आइए बात करते हैं सुधा जी से। सुधा जी, प्रोग्राम करने का क्या मकसद था ये बताइए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा और पूरा भरा हुआ है, बहुत कम होता है बारिश के भी मौसम में, यहाँ लोग पूरे भरे हुए थे। क्या सिंगरों को, ये जो गेस्ट आए हैं, उन लोगों को क्या मैसेज है? बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, क्या कहना चाह रही हैं सुधा जी? मैं यही कहना चाह रही थी कि अभी जैसे हम आगे स्टेज देने का सोच रहे हैं, तो अभी आगे हम प्लान कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ने का मौका मिले हमारे थ्रू, तो हमारी ये बहुत खुशनसीबी होगी। जैसे हैरी साहब ने ये मुझे अभी बैठे हुए सलाह दिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। थोड़ा सा तो हम लोग भी सोच रहे थे, पर अब आगे हिम्मत आ गई। यही होता है ना कि एक के साथ एक मिलते हैं तो जुड़ के फ़ायदा ही होता है। तो अभी बहुत एकदम से मुझे अच्छा लगा हैरी जी, थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा मैसेज है। धर्मपाल सर, स्टूडियो के ओनर और सच्चे सेवक जिसे बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी सर ने यार, आगे बढ़ जी क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बाद? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर हैं, जब वो प्रोग्राम करते हैं, पुराने जितने भी लोगों ने गाने गाए हैं उनको तो रिवाइज होते ही होते हैं। इसके साथ जो लोग यहाँ आते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुगन जी हैं, जगमोहन जी हैं, करण जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ मिलता है, ये सब ऑर्गेनाइज़रों की वजह से है। तो कई लोगों के घर भरते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। जैसे कि आज प्रोग्राम आपने देखा, बहुत टाइम से बने हुए हैं यहाँ पे, सिंगर्स भी आए और माशाल्लाह आपकी आवाज़ के तो दुनिया फ़ैन है, हम क्या दुनिया फ़ैन है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में जो हमने आज किया है? सबसे पहले तो पी न्यूज़ आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस दिल से आप यहाँ पर प्रोग्राम को मन से करते हैं वो, और मेलोडी मिरेकल्स का ये पहला प्रोग्राम तो है पर इतनी प्रोफेशनली ये मैनेज हुआ है, हैट्स ऑफ टू यू। और जितने भी लोग जो आए, जिन्होंने आज यहाँ परफॉर्म किया, दिल से किया, और जो बात निकल कर आई है कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग छोटे जो बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट कोट कोट कर भरा है, उनको यहाँ मंच प्रदान करने का जो आइडिया है वो
ब्लॉसम हो, उससे कुछ नए कलाकार उभरें। और यहाँ पे आने के बाद जो वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है म्यूज़िक के साथ जुड़ी हुई, वो महसूस होती हैं। और ये मैं आप एक बार फिर दोनों जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक रूपरेखा दी और एक इसको आयाम पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से ही आप नेक्स्ट प्रोग्राम करते रहें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और प्रोग्राम कैसा लगा आपको? मेरा नाम पीपी सचदेवा है, मैं यहाँ पे नोएडा से आता हूँ और मैं एक शॉपकीपर हूँ। देखो मैं अपनी शॉप को लॉक करके आया हूँ और फिर यहाँ के मेरा मतलब एकदम इतना दिल खुश होता है कि मैं कह नहीं सकता और आपके सामने बोल भी रहा हूँ। और इस चीज़ का श्रेय जो है हमारी दीदी सुधा दीदी और सारिका मैडम को, ये बहुत ही दिल से यहाँ कोऑपरेशन की भावना से और मतलब बहुत ही भरपूर मतलब सहयोग करते हैं और यही टाइप से और इसी स्पीड से चलता रहेगा तो एक दिन ये मतलब बहुत नाम रोशन करेगा। थैंक यू। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी ब्लेसिंग सभी को मिलती रहे, इसी तरीके से आप साथ आपका साथ बना रहे। जी वीर जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और संगीत के लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? संगीत से मेरा इतना तल्लुका है, खिलाड़ी हूँ और खेलते खेलते जब देखते हैं कि जब 50 प्लस कोरोना का प्रभाव पड़ा इतना नीचे से, इसकी वजह से खुशी रहती है। इस खुशी को ढूंढने के लिए हमने क्रिकेट को कैसे खेलते एक नया क्रिकेट लेकर आए थे। 50 प्लस जो टूर्नामेंट होते थे उसके अंदर देखा कि बहुत इन्जॉय किया और वहाँ भी हमने सीनी भी उसके कारण जो ये था कि ये एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया मैडम ने सब लोगों को, हमने ब्रांड आज से दे दिया है डबल्स क्रिकेट का ब्रांड ही खुद जो दिल्ली के अंदर क्या पूरे इंडिया में छा जाएगा और लोग उम्मीद करते हैं अगर इनके साथ पीछे जो हमारे हैं ये ऐसे ऐसे लोग जो देखो मैडम आएंगे पहली बार गाया था और हम ये चाहते हैं कि दो अपने प्रोजेक्ट अपने क्रिकेट में जुड़े हुए हैं वो प्रोजेक्ट उसी तरीके से अगर हिंदी में चले जाते हैं तो उसका तालमेल और बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे के अगर हमारे साथ क्रिकेट खेलता रहता है उसका भी कोई ना कोई भाई या बहन कुछ नहीं करता। बच्चों के लिए मैंने एडवाइस करती है ऐसे ही आप यूट्यूबर का भी थोड़ा सा रखें, 50+ है 50+ है, ऐसे ऐसे कोशिश चलती रहे तो उससे सुनेगा अंदाज ही अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे क्रिकेट में मैडम को सुन जाती है हम उसके साथ मिलते हैं और आज हमारा पहला ही सौभाग्य है कि जब मिलेगा और मैंने भी अपनी क्रिकेट अकेडमी बदल के आया था क्योंकि ही ऐसा होता नहीं है, मेरी कभी खुशी नहीं होती बंद नहीं हुई मैं आया नहीं मैं अंदर आ गया बाकी चल रहा चल रहा पता नहीं क्या हुआ पता नहीं, और फिर भी तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये मेलोडी मेरा तो उसका नाम लिखा रहेगा वो आगे बढ़ बहुत बड़े ऊँचा उठे और ऐसे ही बच्चे भी पढ़े और बुढ़े भी पढ़े ये दोनों का खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और प्रोग्राम कैसा लगा आपसे? अच्छा लगा, गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस कहना चाहती हूँ और आगे आगे इनका ऐसे ही ग्रुप इनका बहुत बढ़े और आगे आगे ऐसे ही
कोऑर्डिनेटर साहब, क्या कहना चाहेंगे सर आज के इवेंट में जो भीड़ हुई है, रिपोर्ट रूट का दिख रहा मुझे, क्या कहना चाहेंगे सर? तो जो कोर्ट है वो सिर्फ लोगों की भावनाओं से जुड़ रहा है, ये जो लोगों के मन में जो संगीत के प्रति रुचि बनी हुई है सबसे बड़ी वो कहना है। और जो मेरे दीदी है इन्होंने जो प्रोग्राम को करने का जो पीड़ा उठाया है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये पीड़ा आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही हमें एक दूसरे से मिलते रहे। और खास करके मैं ये न्यूज़ पर आपका वेलकम करता जो आपने रिक्वेस्ट की। हम डेट फिक्स होती है